ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे योग के विषय में कि योग हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अनुभूति योग ट्रस्ट की प्रेसिडेंट शिल्पी गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योग के बारे में कि योग हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हर कोई आज योग करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपने इस ट्रस्ट की कैसे आप प्रेसिडेंट बनी, कैसे आपको एकदम प्रेरणा है कि आपको योग के बारे में बहुत कुछ जानना है, सीखना है। आई थिंक अगर योग की हिस्ट्री के या मेरी इसमें जाने की हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत लंबी है, तो मैं इतना तो नहीं करूँगी कि इसको लंबा खींचा जाए, क्योंकि मैं एक बहुत ही क्रॉनिक बीमारी से आज से 14 साल पहले इतनी प्रॉब्लम में थी कि मैं जस्ट एक अपना पैर फोल्ड भी नहीं कर पाती थी, और वो मुझे योग ने एक रास्ता ऐसा दिखाया कि मैंने अपने आप को ठीक किया, और फिर उसके बाद तो मेरा जीवन ही योग बन गया। और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य योग को ही आगे लेके जाना है, और इसी उद्देश्य से मैंने इस अनुभूति योग ट्रस्ट की स्थापना की। और इसका भी हमारा मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम योग की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जी, और बिल्कुल सही बात की कि शायद उसी अनुभूति की वजह से आपने जो है इसका नाम अनुभूति योग ट्रस्ट रखा है। बिल्कुल, हमारा एक सिर्फ और सिर्फ एक यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम योग को अनुभव कराएं, क्योंकि लोग अभी फिजिकल लेवल पर योग कर रहे होते हैं, और फिजिकल सिर्फ फिजिकल लेवल तक ही होता है। जब तक आप उसको अनुभव नहीं करेंगे तो जो आप जिस पर्पस से करना चाहते हैं आपकी अंतरात्मा को टच करेगा अगर आप उसको अनुभूति के साथ करेंगे तो। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी भी हो जाता है कि किसी भी चीज को आप करें तो वो अनुभूति के साथ हो। तो आप क्या मानते हैं कि योग फिजिकल लेवल पे ना होकर के और किस तरह का है योग, कि आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे करें वो योग? योग एक ऐसा, मतलब अब मैं इसको कहूँगी एक मिरेकल्स है कि आप, अगर मैंने जैसे कहा कि फिजिकल लेवल पर योग करते हैं, फिजिकल लेवल पे भी करने पे उसका रिजल्ट आता है, लेकिन ऐसा अगर हम उसको मन से और अगर ले लेंगे, उसको अनुभव करते हुए ले लेंगे, तो शायद आपको ही नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर कितना शरीर में मिरेकल्स हो रहा है। आपको जो छोटी छोटी चीजें, शायद आप उसके प्रति अवेयर भी नहीं होंगे, आपके प्रति आप उसको जागरूकता के साथ देखते ही नहीं होंगे, अगर आप योग को करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप छोटी से छोटी चीजें जो होती हैं उसको जागरूकता के साथ अनुभव करेंगे। क्या आप ऐसा मानती हैं कि जो योग है वो सिर्फ बीमारियों को ठीक करने तक सीमित न रह करके वो हमारी मन की कई बीमारियों को भी ठीक रखता है? हाँ जी बिल्कुल। मैंने जैसे बताया कि फिजिकल लेवल पर शारीरिक बीमारियां तो ठीक करता ही करता है, नो डाउट, लेकिन अगर आप अनुभूति के साथ करेंगे तो आप उसे स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर अपने आप को बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, आज के टाइम में कैंसर की बीमारी इतना सबसे ज्यादा फैल रही है, बिल्कुल, अगर इसको हम योग को एक स्पिरिचुअल लेवल पर, एक मेंटली लेवल पर हम इसको करें तो शायद ही कैंसर का ऐसा कोई प्रॉब्लम होगी, किसी भी ऑर्गन में, बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कैंसर है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं योग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। योग, मेडिटेशन योग का ही पार्ट है। इसमें हम मेडिटेशन को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि हमारा क्या होता है, हम जिस ऑर्गन को बार बार बोलते हैं कि नहीं ये कर्ज, ये मुझे इसकी प्रॉब्लम हो गई, इवन फॉर एग्जांपल हम कहें मेरे नीज में प्रॉब्लम है, हम पूरे टाइम बोलते हैं मेरे नीज में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप उसको पूरी फीलिंग के साथ बोलेंगे और प्यार से करेंगे कि मेरे नीज में प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अनुभव करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नीज का पेन आप देखेंगे, आपका इम्यून सिस्टम पूरी शक्ति लगा देगा उसको काम करने के लिए, तो वो अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी पावर इतनी होती है कि हम बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी चीज के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और अब हमारे साथ मौजूद हैं अनुभूति योग ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट शेख शफीक जी, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं योग के बारे में किस तरह की उनकी भूमिका रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आप सबसे पहले, क्योंकि आप एक धर्म को लेकर अगर मैं बात करूं कि आप एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और आप आए योग की तरफ, ये अपने आप में ही बहुत अचंभे की बात है। आपने योग को कब से अपनाया, कब आपके अंदर ये मन में आपके संकल्प उठा कि मुझे योग की तरफ आपका रुझान जब बढ़ा? जी एक्चुअली क्या है कि मैं इसको थोड़ा बेस लेके चलूं, मैं अपने दादाजी से इंस्पायर हूं। जी, मेरे दादाजी योग करते थे, मेरी मम्मी योग करती है, मेरे पापा योग करते हैं, और मैं पिछले 12 साल से इस फील्ड में हूँ मैं, और हमने अनुभूति योग की स्थापना तो एक साल पहले की है, बट 12 साल पहले से
मैंने सेलिब्रिटी, डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट एंड मॉडल्स, इन सबको मैंने हेल्प दी है जी। तो आप इस ट्रस्ट में आपकी क्या अहम भूमिका रही है? मैं यहाँ एज ए ट्रस्टी ऑफ अनुभूति योग एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अनुभूति योग रंग में, और यहाँ जो है हम लोगों के एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लेके चल रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइज सब हों, हमारी अनुभूति योग ट्रस्ट ऐसी ट्रस्ट बने जिसमें हर रिलीजन को लेके चले, समाज के हर तबके को लेके चले और सबको हेल्प दे सके जी। और ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि योग का मतलब ही है जुड़ना, जोड़ना, और हम जब सब एक साथ लेके चलेंगे तो एग्जैक्टली योग का जो मीनिंग है, एक तो है चित्त वृत्ति का नियोग, बिल्कुल, और एक है ऐड करना। जब तक समाज के हर वर्ग के लोग ऐड नहीं होंगे तब तक योग नहीं बनेगा। बिल्कुल, तो इंडिया जो है मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा देश है मल्टी स्टेट। बिल्कुल, तो हम अनुभूति योग का यही उद्देश्य है कि हम समाज के सारे लोगों को ऐड कर दें तब ये योग बनेगा जी, अदरवाइज योग नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी इंटरनेशनल योगा डे गया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने योगा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महासंघ में जो जाके उन्होंने अपील की थी कि हाँ हमें जो है योग को जो है हर किसी को भारत देश में अपनाना चाहिए, उस पर आपका क्या रहा? सबसे पहले तो अनुभूति योग की तरफ से प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुभूति योग जो है पिछले 4 साल से रेगुलर अनुभूति इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहा है, और इस बार हमने 5th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है। इसमें अराउंड हमारे तकरीबन 2000 के लगभग पार्टिसिपेंट ने भाग लिया इनमें, और अलग अलग जो हमारी संस्थाएं हैं, अलग अलग कॉरपोरेट जैसे ICICI बैंक हो गया, MI हो गया हमारा, travel easy.com हो गया, एंड समाज की और जो संस्थाएं, उन सब ने हमें सपोर्ट दिया इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए। और हमारा जो इसमें ये प्रोटोकॉल तो दिखाया हमने, पर प्रोटोकॉल के अलावा जो अनुभूति योग संस्था के जो उन बच्चों को भी दिखाया है, जो हमारे नेशनल लेवल के बच्चे जाते हैं, जो लोग नेशनल लेवल पे इस योग में कॉम्पिटिशन करते हैं, उनके प्रोग्राम को भी दिखाया गया है। तो हमारा जो देश प्रोटोकॉल के साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं उनको आगे सपोर्ट करना है जी। और आगे की आपके क्या क्या प्लानिंग्स है कि किस तरह की और आप प्लान्स और जो मतलब योग जो है वो बच्चों में ज़्यादातर देख, हम लोग ये अलग अलग स्कूल्स कॉलेज में बातचीत चल रही है हमारे कि योग जो है कॉलेज में आए, अभी पूरा अच्छे से नहीं आए हैं, पर हमारी कि हम लोग हर स्कूल में जाके हर कॉलेज में मिल रहे हैं कि एक टीचर होनी चाहिए, योग का टीचर होना चाहिए जो बच्चों को हेल्थ दे और आगे कॉम्पिटिशन के लिए भी तैयार करे। और इस फील्ड में हम लोग जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं अपना, और जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं फिटनेस के फील्ड में, योगा के फील्ड में करना चाह रहे हैं बट वो गरीब हैं, वो लोग पैसा नहीं है, तो हमारी एक ऐसी हमारी संस्था उनको बहुत सपोर्ट दे रही है, उनको एज ए टीचर करियर के रूप में एज ए टीचर बना रही है, और वो लोग जो ताकि समाज में काम कर सके जी। शेख जी, आप जो समाज के लिए कर रहे हैं वाकई में ये बिल्कुल तारीफ के काबिल है, और आप ऐसे ही अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, और आप हमारे कार्यक्रम में उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।